नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका। आज आपने कवर तो देख ही लिया होगा, सफेरो क्रेडिट कार्ड हमने ऑर्डर किया था। एक्चुअली बहुत दिनों से क्रेडिट कार्ड वाले बैंक वालों का फ़ोन आ रहा था काफ़ी, सर कार्ड ले लो, कार्ड ले लो, कार्ड ले लो। तो मैंने कहा दे दो, कोई दे रहा है तो कैसे मना करें, ठीक है जी। बट कुछ प्लस और माइनस पॉइंट्स मैं आपको कार्ड के बारे में बताऊंगा, ठीक है, और इसके अंदर मुझे क्या क्या मिल रहा है सफेरो क्रेडिट कार्ड, वो भी मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं जी। जो लिमिट है 5 लाख की है, 5 लाख तक आप इसमें से जो है परचेजिंग कर सकते हैं। 2 करोड़ का एक्सीडेंटल कवर मुझे मिलेगा, 2 करोड़ का एक्सीडेंटल कवर मिलेगा। उसके साथ जो है 10,000 का जो वाउचर इसके साथ दिया जाएगा। पता नहीं मुझे वाउचर मिलेगा नहीं मिलेगा, मुझे नहीं पता, बिकॉज़ ये कार्ड मुझे फ्री ऑफ कॉस्ट मिला है। तो जो फ्री ऑफ कॉस्ट इसका वैसे ईयरली चार्ज 6,000 के करीब है, तो ये मुझे फ्री ऑफ कॉस्ट मिला है ईयरली। तो मेरा रेंटल फ्री है ये, 1 साल का मतलब अनलिमिटेड टाइम के लिए रेंट फ्री है इसका, तो मुझे इसके चार्ज कोई देना नहीं पड़ेगा। परचेजिंग भी थोड़ा ध्यान से करिएगा, कोरोना की वजह से वैसे ही बहुत लोगों की नौकरी जा चुकी है, तो बी केयरफुल। अगर आप एक्स्ट्रा प्रेग्नेंट हैं, खर्चीले हैं, तो प्लीज़ अवॉइड करिए अपने इस कार्ड को। चलिए, बट ठीक है, रखना होना चाहिए इमरजेंसी के लिए। इसके मैं इस कार्ड के अलावा क्रेडिट कार्ड में प्लस पॉइंट और माइनस पॉइंट क्या होता है, कार्ड लिया जाए ये नहीं, कोई सा भी कार्ड क्रेडिट कार्ड लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए, मैं इसके बारे में बता देता हूँ आपको दो दो लाइन के बारे में। देखिए, लेना क्यों चाहिए उसके बारे में पहले बात करते हैं। क्रेडिट कार्ड पैंडेमिक टाइम अभी अभी बीता है, थर्ड वेव कह रहे हैं आने को है, बहुत लोगों की नौकरी जा चुकी है, तो आप इस टाइम पे क्या कर सकते हैं इमरजेंसी में। जो सपोज़ आपने हेल्थ कवर नहीं लिया है, जो कि लेना मस्ट है, सबको लेना चाहिए, सपोज़ आपने हेल्थ कवर नहीं लिया है और आप बीमार पड़ गए, या फिर मैं बीमार पड़ गया, तो उस टाइम पे हम देर रात किससे पैसा मांगने जाएंगे, लोन लेने जाएंगे, तो उस टाइम पे हम ये जो बिल है क्रेडिट कार्ड के थ्रू पे कर सकते हैं। एडवांस में हम इसको पैसा दे सकते हैं और हम जो है ये हमारा बिल मंथली इंस्टॉलमेंट पे चलता रहेगा जब तक हम करवाना चाहें। फर्स्ट पॉइंट तो ये है, मैंने पहले भी कहा पैंडेमिक टाइम अभी अभी थोड़ा बहुत बीता है, लेकिन अभी थर्ड वेव आने वाली है, तो आप इसमें से थोड़ा कैश भी निकाल सकते हैं, लेकिन एक टाइम पीरियड के अंदर 45 डेज़ का टाइम देता है बैंक, उसमें आपको इसको वापस करना चुकाना पड़ता है। 45 डेज़ के अंदर आपको कोई भी मंथली चार्ज नहीं लगेगा, कोई भी इंटरेस्ट नहीं लगेगा, एक पैसे का इंटरेस्ट नहीं लगेगा। आप किसी से भी पैसा मांगने जाएंगे, एक दिन के लिए भी मांगने जाएंगे, तो एक तो पहले मिलेगा नहीं, क्योंकि सामने वाले की भी हालत ख़राब ही होगी, क्योंकि बहुत बुरा समय बीता है सभी के लिए, लोगों की नौकरी जा चुकी है और मार्केट बिल्कुल क्रैश हो चुका है। तो उसमें आप 45 डेज़ के लिए पैसा ले सकते हैं, 45 डेज़ के अंदर अंदर आपको ये चुकाना पड़ेगा। 45 डेज़ कैसे दोस्तों, अगर मैं एक छोटा सा एग्ज़ाम्पल लेता हूँ, जनवरी का एग्ज़ाम्पल लेते हैं, आपने 1 जनवरी को कोई सामान ख़रीदा, परचेज़ किया, दूसरा सामान आपने 30 तारीख को ख़रीदा, ठीक है, ध्यान से सुनिएगा, 1 तारीख को ख़रीदा और 30 तारीख को ख़रीदा जनवरी में ही। 1 तारीख को हम ख़रीदेंगे तो 45 डेज़ का हमें, यानी नेक्स्ट फिफ्टीन को 45 डेज़ हो जाएगा, तो हमें पूरा 45 डेज़ मिला। लेकिन अगर आपने जनवरी 30 को ख़रीदा कोई सामान, तो आपको 15 डेज़ ही मिलेगा, 16 डेज़, क्योंकि 31 का महीना होता है,
16 डेज ही मिलेगा। आप ये मत चलिएगा लेके कि मैंने 31 को खरीद 30 को ख़रीदा तो फिर मुझे और 45 डेज मिलेगा, नहीं, ये मंथ काउंट होता है, ये मंथ को पूरा कैलकुलेट करते हैं, एक मंथ में कितनी परचेजिंग हुई है इनकी, और ये 45 डेज उसी के अकॉर्डिंग देते हैं ये कि 45 ये 15 डेज के अंदर अंदर पे करना होता है। वैसे आप हमेशा क्रेडिट कार्ड लेते हैं तो ऑटो डेबिट रखिए, ऑटो डेबिट ऑप्शन होता है, उस मोड को ऑन रखिए, जिसमें आपके बैंक में एक पर्टिकुलर टाइम पे वो बैंक खुद ब खुद अपना वो जो पैसा है डिडक्ट कर लेता है, जो भी आपने सामान ख़रीदा है या परचेज़ किया है, या फिर आपने कैश ट्रांजेक्शन किया है, या फिर आपने कोई लोन लिया हुआ है, ठीक है। अब ये तो हो गए प्लस पॉइंट, अब इसके माइनस पॉइंट देखते हैं। अगर आप एक्स्ट्रा वैगेंट हैं, मैं पहले कह चुका हूँ, तो इस कार्ड को प्लीज़ होल्ड मत करिए, अपने साथ लेके ही मत जाइए, आप किसी ड्रॉर में डाल के या फिर किसी बैग में डाल के भूल जाइए उस कार्ड को, बशर्ते वो कार्ड खोना नहीं चाहिए, किसी ऐसे सेफली रखना चाहिए। आप इसको बाहर लेके जा रहे हैं तो बी केयरफुल, आप एक्स्ट्रा वैगेंट हैं तो कार्ड को मत ही लेके जाइए, बेस्ट रहेगा आपके लिए। क्या पता कोई चीज़ ख़रीदने का मन कर जाए और आपके पास कार्ड है तो आप ये सोचो कि नहीं मेरे पास पहुँच रहा ख़रीद लेते हैं, लेकिन नहीं, ना कार्ड लेके जाएंगे, ना परचेजिंग करेंगे, ना रहेगी बांस, ना बजेगी बांसुरी, ख़त्म, छुट्टी, ठीक है। तो कार्ड लेके ही जाने का नहीं, रख दो किसी ड्रॉअर के अंदर ताला लगा के, कभी इमरजेंसी में ज़रूरत पड़ेगी तो निकाल के लेके जाएंगे। डेबिट कार्ड तो रहता है ना, उससे परचेज करिए, एट अ टाइम कटेगा पैसा, ना बैंक में पैसा रहेगा ना आप परचेज करोगे। हाँ देखिए, अगर आपने क्रेडिट कार्ड ले तो लिया, परचेज तो कर लिया, लेकिन अगर आपको टाइम पे पैसा देने की आदत नहीं है, होता है ना कि हमने किसी से ले लिया, सोनू यार 50,000 की ज़रूरत है, प्लीज़ दे दे, मैं तेरे को जल्द लौटा दूँगा, आपने कोई टाइम लिमिट नहीं दिया हुआ है, जल्द लौटा दूँगा, यानी कोई टाइम फिक्स नहीं है। अब आपने ले तो लिया 50,000, लेकिन आप उसको चुकाने का आज दे रहे हैं, कल दे रहे हैं, 6 महीने बाद दे रहे हैं, तो एक फ़िक्स टाइम नहीं रहता, यानी हमारी आदत ख़राब है, हमने उसको फ़िक्स टाइम नहीं बताया कि यार सोनू तो सोनू मैं आपको 5 महीने बाद ये पैसा लौटा दूँगा, हम उसको टालते जा रहे हैं, नहीं सोनू 5 दिन बाद ले लेना, 10 दिन बाद, 6 महीने बाद, साल भर बाद। ये ऐसे लोगों के लिए कार्ड बिल्कुल नहीं है, आप तो दूर ही रहें कार्ड से, ठीक है जी। क्यों, इसका रीज़न है, 45 डेज तक आपने फ्री में दे रहा है आपको बिना इंटरेस्ट के, 45 डेज के बाद 46 डेज पे 46वें दिन के अंदर वो इंटरेस्ट कितना काटेगा बैंक वाला पता है आपको, पूरे 46 डेज का, 1 जनवरी से लेकर 15 फरवरी का पूरा इंटरेस्ट ले लेगा ये, जी हाँ, और इंटरेस्ट भी कैसा, पर मंथ वाला। अगर मैं पर्सनल लोन लेता हूँ 14% 15% पे, इनका लोन कितने परसेंट पे होता है, ये बिजनेस लोन के अकॉर्डिंग लेते हैं 25% 30% 35%। तो टाइम पे पैसा नहीं देने वाले प्लीज़ अवॉइड करिए, आप कार्ड तो ले ही लीजिए मत, ठीक है, दूर रहिए कार्ड से। पर जिसको ज़रूरत है, फ़ायदे की चीज़ भी है, नुकसान की चीज़ भी है, बशर्ते आपको ध्यान से इसको इस्तेमाल करना पड़ेगा, जी हाँ। चलिए देखते हैं, खोलते हैं कार्ड, हमारे पास बातें बहुत हो गई। बिना ICIC के स्टिकर के एक्सेप्ट मत करिएगा, इसमें भी लिखा हुआ है। तो भाई ये तो डबल डबल लगा हुआ है भाई,
है खाली। आईसीआईसी बैंक सफेरो क्रेडिट कार्ड, सफेरो बहुत अच्छा क्रेडिट कार्ड होता है, मैंने इसके बारे में काफ़ी सुना है। बस यही है क्रेडिट कार्ड के बारे में, मुझे आपको बस यही बताना था। आज का ब्लॉग है ये, कैसा लगा आप प्लीज़ बताइएगा। और आप हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए। आपके चैनल पे आता रहूँगा और जो है आपको इन्फॉर्मेशन कुछ ऐसी होगी तो मैं आपको ज़रूर बताता रहूँगा। जब तक के लिए धन्यवाद, ध्यान रखिए अपना। कोरोना का थर्ड वेव आने वाला है, प्लीज़ अपने आप को सिक्योर करिए, बाहर कम से कम घूमिए।